जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था, मैं बहुत जल्दी आपको अपनी माँ से मिलाऊंगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं छुट्टी। ये दूसरा दिन है ट्रेन के सफ़र का, और आज 2-3 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। वैसे मेरे घर पे किसी को नहीं बताया कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं बताता कभी भी। मेरे दोस्त को बता देता हूँ एक को, ताकि वो लेने भी आ जाए। एक किसी ना किसी को तो पता भी होना चाहिए, क्योंकि सफ़र कर रहे हैं तो किसी न किसी को तो पता होना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, मेरी माँ को, बहन को या घर में बच्चों को किसी को नहीं पता कि मैं छुट्टी जा रहा हूँ, और उनको अनुमान भी नहीं होगा कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ, क्योंकि उनको सबको पता है कि अभी लॉकडाउन में कहाँ छुट्टी मिलेगी। और अभी मेरे को ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, केवल 2-2.5 महीने हुए हैं ड्यूटी पर गए, तो इसलिए उनको उन्होंने नहीं सोचा होगा कि मैं आ रहा हूँ। तो उनके लिए सरप्राइज़ होने वाला है, साथ ही आपको मिला देंगे मेरी माँ से भी। जैसा कि आपने कहा था कि आपकी माँ से ज़रूर मिलना चाहेंगे, तो आपको वहीं मिला देंगे। उनको सरप्राइज़ है ज़रूर, अगर मेरे पास होगा मेरा दोस्त साथ में, तो सरप्राइजिंग वीडियो भी रहेगा ये, क्योंकि वो होगा तो अगर वो फ़ोन को पकड़ लेगा, कैमरे से रिकॉर्ड करेगा, तो ज़रूर मैं पीछे से मेरी माँ को सरप्राइज़ कर दूँगा। तो अभी देख लीजिए, ट्रेन रुक रखी है, बहुत ही अच्छी सी जगह है। देखते हैं सरप्राइज़ बरकरार रहता है या नहीं। वैसे तो अभी तक नहीं पता है उनको ना, मैंने दो कल से कॉल किया किसी को, क्योंकि उनको मैंने ऐसे बोल रखा है कि भाई मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ तो कॉल नहीं करूँगा, तो सोच रहे होंगे ड्यूटी पे गए हैं। तो बने रहिए, देखाते हैं कैसा सरप्राइज़ रहता है उन लोगों के लिए। तैयार हो? ओके, मिलते हैं दोस्तों आगे। वैसे देखो नज़ारा बहुत अच्छा है, ट्रेन का भी बहुत अच्छा है। ओके, मिलते हैं दोस्तों आगे, देखें कैसे जाता हूँ घर तक, पूरा वीडियो शूट करता हूँ। और आपको क्या लगता है दोस्तों, कि सरप्राइज़ देना अच्छा है या बता के जाना अच्छा है? क्योंकि सरप्राइज़ का अलग ही मज़ा है, उनकी उम्मीद भी नहीं होगी कि भाई मैं आ जाऊँगा। और आपको पता है कि फौजी बेटा जब घर जाता है तो घर वालों के लिए कितनी खुशी हो जाती है। तो वैसे पता नहीं, मेरी माँ को तो खुश हो जाएगी, खुशम खुश हो जाएगी पूरी। मेरी बहन को भी नहीं पता है, लेकिन वो ससुराल में होगी, तो उसको आज नहीं दे पाऊँगा सरप्राइज़, कल सुबह उसके घर जाऊँगा। हो सकेगा अगर जल्दी पहुँचा घर तो शाम को ही चला जाऊँगा, नहीं तो कल सुबह। मेरा भांजा भी है शैतान, तो उससे मैं उसको भी लेके आऊँगा ना घर पर, इसलिए तो उनके लिए भी सरप्राइज़ रहेगा।